Welcome back to my channel. I'm Suchita Singh, and in today's video, I just thought to share my weight loss journey with you all because मुझे काफी लोगों ने बोला था कि हमें weight loss पे कुछ tips चाहिए. And you know, in past one year, I gained like anything. मैंने काफी put on कर लिया था अपना weight, and मैंने कुछ चार महीने में काफी lose भी किया है. So I would be sharing those tips with you जो मैंने follow किया अपना weight reduce करने के लिए, so that आप भी follow करिए and even you can look slim and trim. So yes, let's start the video. पिक में तो जो मैंने अभी शेयर किया आपके साथ उसमें देख ही लिया होगा कि मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था. लाइक आई वॉज 73-74 यू नो बिफोर, एंड देन आफ्टर दैट इन लास्ट 4 मंथ्स आई लॉस्ट अराउंड 14 केजीज. सो नाउ एट प्रेजेंट माई वेट इज 60-61. लाइक इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, डिपेंड्स ऑन द टाइम. मतलब आप सुबह वेट गेन वेट चेक करोगे तो वो 1 केजी डाउन ही होता है. सो या सो सीन क्या था कि लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, ओके, तो 10 जुलाई 2019 आई गॉट मैरिड. एंड उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन किया. जब मैंने शादी किया था तब मेरा वेट था 56, एंड उसके बाद मैंने मेरा वेट हो गया, मैंने मार्च में जब देखा था बिफोर लॉकडाउन तब मेरा वेट था 73. माई गॉड, सीरियसली इट्स सो डीमोटिवेटिंग कि आपको कोई भी कपड़े नहीं होते, आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप इतने मोटे हो चुके हो. एंड कोई भी, मतलब मुझे मेरे जीन्स नहीं होते थे, मुझे मैं क्रॉप टॉप नहीं पहन सकती हूँ. मैं मतलब अगर मुझे कहीं बाहर भी जाना है ना तो मैं जिम के कपड़े पहन के जाती थी क्योंकि उससे आप मतलब थोड़ा लूज होता था. लूज कपड़े पहनना चालू किया, एंड ज़्यादा करके मैं इंडियन वेयर ही पहनती थी, लूज कुर्तीज एंड एवरीथिंग. एंड उसके पहले द सीन वॉज टोटली डिफरेंट. आई यूज टू वेयर क्रॉप टॉप, जीन्स एंड शॉर्ट कपड़े, सब कुछ. सो एंड मैंने पिक्स लेना भी बंद कर दिया था कि मतलब फेस इतना बड़ा हो गया है, पिक्स कैसे लूँ. सो ये सारी ऑब्वियसली अब जिसने वेट गेन किया होगा दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा पेन क्या है, दे कैन यू नो रिलेट टू इट. सो फिर उसके बाद मैंने सोचा बस हो गया, अब मुझे निकलना है इस चीज़ से, मैं और नहीं रह सकती. मेरे सारे कपड़े ऐसे के ऐसे पड़े, मैं कहीं बाहर जाती हूँ मुझे कुछ नहीं मिलता पहनने के लिए. सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे पतला होना था. एंड यू नो वॉट, अगर आप वेट गेन करते हो तो लड़कियों को, ज़्यादा करके लड़कियों को काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके. लाइक आपके आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं होते, एंड देन काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी काफ़ी चेंजेस आते हैं बॉडी में, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, यू नो. सो वेट आपका प्रॉपर ही रहना चाहिए, आपको वेट गेन नहीं करना चाहिए. वन मोर थिंग गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो स्टार्ट टू एंड. कोई भी चीज़ स्किप मत करना, स्टार्ट टू एंड सारी वीडियो देखना. सो या व्हेन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इतना भी अर्ली नहीं, बट आप जब भी उठ रहे हो, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट जब भी मैं उठती हूँ सो आई स्टार्ट माई डे विद हॉट ग्लास ऑफ वाटर. ओके, सो मैं गर्म पानी पहले पीती हूँ. तो गर्म पानी भी लोग बोलते, जब बोलते कि आपको अपना दिन गर्म पानी से स्टार्ट करना है, पी के स्टार्ट करना है, तो आप मतलब कोई कोई इतनी छोटी ग्लास में गर्म पानी पीते हैं, नहीं आपको ज़्यादा पानी पीना है. सो आई वुड जस्ट शो यू, ये मेरा ग्लास है जिसमें मैं गर्म पानी पीती हूँ. सी द साइज, ये पूरा फुल, ओके, फुल ग्लास में गर्म पानी पीती हूँ. एंड ऐसा भी नहीं कि वो हल्का सा, एकदम हल्का सा गर्म होता है, होता है गर्म, मतलब ना एकदम हल्का ना एकदम ज़्यादा गर्म, जितना जितना आप पी सकते हो, ओके, उतना गर्म पानी आपको पीना है. फिर सेकेंड थिंग, जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ
जब मैं गर्म पानी पी लेती हूँ उसके आधे घंटे बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ. अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सुबह मैंने एक्सरसाइज तो मैंने अभी तक स्टार्ट किया नहीं है, लाइक सुबह का जो वॉकिंग होता है या जो भी है मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं करती. बट येस, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो सो आपको सुबह ही वॉक पे जाना चाहिए. बिफोर टेकिंग हॉट वाटर आपको सुबह ही मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाना चाहिए. अगर आप कर सकते हो तो 1 आवर आपको वॉक करना चाहिए, विच इज़ वेरी इफेक्टिव. खाली पेट एक्सरसाइज करना इज वेरी इफेक्टिव इफ यू वॉन्ट टू लूज योर वेट. सो या मैं अपना बताती हूँ. तो मैं ये गर्म पानी पीने के बाद आधे घंटे के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ. अब मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ, एक चीज़ आप ध्यान में रखें, आपको आपका ब्रेकफास्ट राजा की तरह करना है, आपको आपका लंच राजा का पेटा प्रिंस की तरह करना है, एंड देन आपको आपका जो डिनर है वो एक बहुत ही गरीब इंसान मतलब बहुत ही कम खाना है आपको आपका डिनर. तो ये एक फंडा है लाइफ का जो आपको याद रखना है. सो ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए. हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब मैं पोहा खाती हूँ, मैं पनीर पराठा खाती हूँ, देन आई हैव मतलब ये सब नहीं खाती हूँ, कोई एक चीज़ खाती हूँ. देन कभी कभी मैं ओट्स खाती हूँ, मसाला ओट्स. देन कभी कभी मैं टी तो इतना मेरा कुछ ये नहीं होता कि मुझे चाय चाहिए रोज़, तो आई अवॉइड टी हैविंग टी क्योंकि इसमें शुगर होता है. तो अगर आप रोज़ चाय पी रहे हो तो अवॉइड करो, उसके जगह पे आप ग्रीन टी ले सकते हो. एंड व्हाट आई हैव या आप उपमा खा सकते हो, देन आप पराठा खा सकते हो. सो मैदा अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें वीट की होनी चाहिए, जो भी पराठा या फिर वीट के प्रोडक्ट्स होने चाहिए. और आप ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हो, अप्लाइंग सम बटर, थोड़ा बटर लगा के. फिर चना मसाला, आप रात को चना भिगो के रख दो, जो ब्राउन चना होता है उसको भिगो के रख के. देन अगर आप कच्चा चना खा सकते हो देन वेरी गुड, बट अगर आपसे कच्चा चना नहीं खाया जाता नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, ये आपको करना है. अगर आप कच्चा चना नहीं खा सकते हो तो फिर लाइक कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, तो आप उसको हल्का सा नमक में बॉईल करके कुकर में थोड़ा सा एक दो सीटी देने के बाद उसमें थोड़ा नमक ऐड कर देना. देन उसमें आप कुकुम्बर या टोमेटो ऑनियन एंड थोड़ा सा चिल्ली मिक्स करके आप खा सकते हो उसको. देन उसके बाद आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली आप एग खा सकते हो. यस, एग इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. सो इन द मॉर्निंग आपको ऐसा कुछ खाना है जो काफ़ी हैवी हो, जो आपको ना पूरा दिन ऐसे फुल रखे आपके पेट को. आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए, वीक नहीं फील होना चाहिए कि आपने कुछ खाया नहीं है, आपको वीकनेस फील हो रहा है. प्लीज़ ऐसा कोई डाइटिंग मत करो कि यू नो आप पूरे टाइम आपका पेट खाली है, आपको वीकनेस फील हो रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, लो फील कर रहे हो, इट्स वेरी बैड. कभी भी एक्सरसाइज ज़्यादा करो बट अपना मील स्किप मत करो. ओके, ब्रेकफास्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑल्सो हैव सैंडविच. ओके, उसमें आप कुकुम्बर ऑनियन टोमेटो स्लाइसेस कट करके आप रख के यू नो ब्राउन ब्रेड, बट जो ब्रेड होगा आप ध्यान रखना वो ब्राउन ब्रेड यूज़ करो आप. तो आप सैंडविच भी खा सकते हो इन द मॉर्निंग, एंड दो सैंडविच भी खा लिया आपने तो इट्स मोर देन इनफ. सैंडविच खा सकते हो एंड देन उसके बाद आप उसमें ओट्स विद मिल्क. ओके, जो वाइट ओट्स होता है उसको मिल्क में डाल के आप वो भी खा सकते हो. जब आपका ब्रेकफास्ट हो जाए तो आपने आपका ब्रेकफास्ट फॉर एग्जाम्पल आपने 9 बजे खा लिया, तो उसके 2 घंटे के बाद 2 या 3 घंटे के बाद आप एक एप्पल खा सकते हो या कोई भी फ्रूट्स, लाइक आई हैव पपैया, मैं पपैया खाती हूँ. उससे आपका स्किन बहुत ही अच्छा होता है, ग्लो करता है. एंड मैं एप्पल भी खाती हूँ. यू कैन हैव ऑरेंज बिकॉज यू नो अभी तो कोरोना का सीज़न चालू है, सो अच्छा होगा अगर आप विटामिन सी ज़्यादा कंज्यूम करो. सो ऑरेंज में काफ़ी विटामिन सी होता है, सो मैं ऑरेंज भी खाती हूँ कभी कभी. फिर कभी कभी मैं पेरू खाती हूँ. सो एनी फ्रूट, एनी वन फ्रूट यू कैन हैव. और उसके साथ आप प्लीज़ अगेन वाटर कंज्यूम करते रहना बीच बीच में. अगर आप फुल डे हॉट वाटर कंज्यूम कर रहे हो देन वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा. नहीं तो आप नॉर्मल एक बॉटल आपके पास हमेशा रखना और पीते रहना बीच बीच में पानी, तो उससे कैसे आप ज़्यादा फुल भी फील करोगे और आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगा.
तो आपने ये खा लिया, फ्रूट्स खा लिया 2-3 घंटे के बाद, फिर उसके बाद जब आप लंच करोगे लाइक 1 या 2 बजे आप जब लंच करोगे तब आप खा सकते हो. मैं 2 चपाती खाती हूँ एंड जो भी चपाती का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं होता, सो वो साइज़ का चपाती 2 विथ एनी सब्जी. सब्जी में पनीर आप रख सकते हो, पनीर ज़्यादा खाना है आपको, उसके साथ आप कर्ड भी खा सकते हो, 1 बाउल छोटा सा कर्ड इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. तो कर्ड आप कंज्यूम करो, उसमें भी प्रोटीन होती है. तो कर्ड, 2 चपाती, एनी सब्जी. सब्जी में ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए प्लीज़, उसका ध्यान रखना, और ज़्यादा मसाला भी नहीं, थोड़ा लाइट फूड ही रखना लंच में, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए हमें. एंड देन सैलड, कोई भी सैलड खा सकते हो लाइक आप ऑनियन, क्यूक्यूबर, टोमेटो, देन लेक्यूस, ये ऐड करके सैलड बनाना है आपको और फिर वो कंज्यूम करना. उसमें फाइबर काफ़ी होता है तो उससे भी आपको एकदम फुल लगेगा और 1-2 घंटे बाद जल्दी से आपको भूख नहीं लगेगा. तो आपने जैसे 1 से 2 बजे के बीच में अपना लंच कर लिया, उसके बाद अराउंड 5 to 6 आपको एक मील खाना है. उसमें आप अगेन एक फ्रूट खा सकते हो, जैसे कि मैं तो फिर से फ्रूट में बहुत फ्रूट्स खाती हूँ, तो मैं वापस से 5-6 बजे फ्रूट्स खाती हूँ. या फिर आप टी ले सकते हो, टी के साथ 2 रस खा लिया आपने, टोस्ट, या फिर खारी, नहीं खारी आपको अवॉइड करना है. आपको वीट का टोस्ट मिलता है, आप वो खा सकते हो, 2 से 3, ज़्यादा नहीं खाना आपको. एंड शुगर थोड़ा कम रखना अपने टी में, या फिर कुछ लोगों को तो टी चाहिए ही चाहिए, मतलब उस पर उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. टी शाम को और सुबह चाहिए, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि उसमें आपको शुगर बहुत ही कम डालना है, या नहीं भी डालोगे तो अच्छा है. अवॉइड करना शुगर, ज़्यादा शुगर अवॉइड करना, और वैसे भी आप अपने बॉडी को शुगर तो चाहिए ही, जो फ्रूट्स से यू नो कवर अप हो जाता है. फ्रूट्स में भी काफ़ी शुगर होते हैं तो उससे कवर अप हो जाता है. सो या देन नाउ आफ्टर हैविंग माई इवनिंग स्नैक्स, जैसे कि मैंने वो 5-6 बजे खाया, उसके बाद 8 बजे मतलब 2-3 घंटे के बाद मैं वॉक पे जाती हूँ. तो 7:30 to 8:30 1 आवर मैं वॉकिंग करती हूँ. एंड देन उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज, तो मैं आपको जो भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ उसके भी डिटेल्स मैं आपको बता दूँगी. सारे डिटेल्स मैं मेंशन करने वाली हूँ सो दैट इवन यू कैन ट्राई एट योर प्लेस. आप कहीं पे भी नीचे 1 आवर के लिए यू नो ग्राउंड में या फिर ऐसे ही आप एक राउंड मार सकते हो. स्टार्टिंग में थोड़ा इश्यू होगा, आप एक साथ स्ट्रेच नहीं कर सकते हो 1 आवर के लिए. सो इन द बिगनिंग आप 20 मिनट्स से स्टार्ट कर सकते हो, एक दिन 20 मिनट्स, फिर 25-30, तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो. एंड ज़्यादा स्लो नहीं मारना है, कुछ लोग बहुत ही स्लो वॉकिंग करते हैं तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है. थोड़ा फास्ट, ताकि आपका हार्ट बीट थोड़ा फास्ट रहे, तो आपको ऐसे वॉक करना है. जब आप थक जाओ तो आप थोड़ा 1-2 मिनट के लिए स्लो वॉक कर सकते हो, फिर आपको एकदम फास्ट वॉकिंग करना है. सो आपने वॉकिंग कर लिया, वॉकिंग करने के बाद जब आप घर पे आते हो देन यू कैन डू स्किपिंग, या फिर आप आपके अपार्टमेंट में भी कर सकते हो स्किपिंग. तो स्किपिंग कुछ अगर आपने 5 to 10 मिनट्स भी किया सो इट्स मोर देन इनफ, काफ़ी है मतलब स्टार्टिंग के लिए. हाँ, आप स्टार्टिंग जब आप स्टार्ट करोगे ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं 100 स्किपिंग से मैंने स्टार्ट किया, तो आज के डेट में मतलब मैं 1000 to 2000 स्किपिंग ईजिली कर लेती हूँ थोड़ा ब्रेक लेके, लाइक 200 200 200, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू. तो या आप स्किपिंग कर सकते हो, देन आप एब्स मार सकते हो घर पे, क्रंचेस मार सकते हो घर पे, यू नो बेसिक एक्सरसाइज. तो ऑब्वियसली आपने वर्कआउट किया तो आपको भूख तो लगेगा ही. तो जब आप आते हो घर पे या फिर घर पे आप एक्सरसाइज करने के बाद आपको डायरेक्ट किचन में जाके जो मिला वो खाना नहीं है, या फ्रिज खोल के आपको जो भी चॉकलेट्स मिला या फिर यू नो कुछ भी जो सामने दिख रहा है आपको जस्ट खाना नहीं है. थोड़ा ब्रेक दो और थोड़ा शांत रहो, क्योंकि होता है हमें जब ज़्यादा भूख लगता है हमें समझ में नहीं आता कि मुझे क्या खाना है करके. तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है. तो हाँ, आप डिनर में पहले से मतलब 2 चपाती, जो मैं खाती हूँ 2 चपाती खाती हूँ, और मैं अपना डिनर अराउंड 10 o'clock, तो मैं अपना डिनर कर ही लेती हूँ. तो 2 चपाती विद सम वेजीज, मतलब भाजी, थोड़ा भाजी, एंड देन सैलड अगेन, और रात को कर्ड
खाना अवॉइड करिए, इसलिए मैंने दोपहर के मील में कर्ड ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हो सकता है कि आपका टाइमिंग डिफरेंट हो मेरे टाइमिंग से, क्योंकि सबका रूटीन अलग होता है। तो जब भी आप सोने जाओ, ये नहीं है कि 11 बजे सोने जा रहे हो तभी, जब भी 1-2 बजे जब भी आप सोने जा रहे हो, मेक श्योर यू हैव 1 ग्लास फुल ऑफ हॉट वाटर बिफोर स्लीपिंग। तो ये हो गया। एंड आपको अगर बीच बीच में फिर भी भूख लग रहा है या कुछ खाना है, जैसे कि अगर आप कोई टीवी शो देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो या कोई सीरीज़ देख रहे हो, तो हमें ऐसा लगता है हम कुछ तो खाएं, मुंह चलना चाहिए, तो उसमें आपको चिप्स बिस्किट्स ये सब नहीं खाना है, चॉकलेट्स ये सब नहीं खाना है, ये अवॉइड करना है आपको अगर आपको पतला होना है तो। सो उसके जगह पे आप मखना होता है, मखना को थोड़ा सा यू नो रोस्ट करके उसमें कुछ मसाला डाल के यू कैन ईट दैट मखना हुआ। फिर बाद में आप अलसी इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल एज हेयर, सो और वेट रिड्यूस करने में भी वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो अलसी को आप रोस्ट करके रख सकते हो, सो बीच बीच में आप अलसी भी खा सकते हो। देन या देन उसके बाद ऐसे मतलब कुछ हेल्दी चीज़ें आपको कंज्यूम करना है फॉर यू नो अगर आपको बीच में भूख लग रहा है तो। सो आई जस्ट थॉट टू शेयर सम मोर पॉइंट्स विच आई मिस्ड आउट। सो मैंने सोचा कि हाँ, और काफ़ी पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर नहीं किए हैं। एंड येस, फर्स्ट थिंग, आपको दाल ऐड करना चाहिए अपने मील में। दाल आपको पीना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। दाल में काफ़ी प्रोटीन होती है, तो येस यू हैव टू ऐड दैट। आपका जो बाल जो झड़ रहा है, इनफैक्ट दाल पीने से वो भी काफ़ी हद तक रुक जाता है, सो दाल का जूस आपको पीना चाहिए। देन सेकेंड थिंग, प्लीज़ अवॉइड ईटिंग पोटैटो अगर आपको वेट लूज करना है तो पोटैटो के जो चिप्स होते हैं, एंड देन आप भाजी में भी पोटैटो ऐड करते हो, आलू ऐड करते हो, तो वो भी मतलब अगर आपकी मॉम ने आपने ऐड किया है तो आप उसे मत खाओ, आपको दूसरों को देना है तो दे दो, बट आप खुद मत खाना पोटैटो। थोड़ा बहुत ठीक है, बट येस यू शुड अवॉइड अगर आपको जल्दी वेट रिड्यूस करना है तो। पोटैटो अवॉइड करना है, दाल पीना है, आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाना है। फ्रूट्स मैंने बताया, पपाया इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। इफ़ यू वांट अ ग्लोइंग स्किन, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, सो येस पपाया आपको खाना चाहिए। इट हैज़ लॉट ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स इन इट, तो वो भी यू नो इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। पपाया खाओ, फ्रूट्स खाओ, एंड दिन में एक फ्रूट तो आपको खाना ही है, ये आपको अपना हैबिट बनाना है। एंड अभी तो ठंडी का सीज़न आ रहा है तो ऑरेंज तो यू नो हर जगह अवेलेबल होगा, सो येस ईट लॉट्स ऑफ ऑरेंज, वो भी काफ़ी ग्लो देता है स्किन को। एंड येस आई वुड बी शेयरिंग सम मोर टिप्स ऑन यू नो इन माई नेक्स्ट वीडियो फॉर अ ग्लोइंग स्किन। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे मैंने कुछ मेकअप अप्लाई नहीं किया है मेरे फेस पे, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाया है। सो लेट मी शो यू, सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर इफ़ यू वॉन्ट अ ग्लोइंग स्किन। आपको मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी पैसे आपके बच जाएंगे मेकअप पे जो हम ऐड करते हैं, या तो आपको ये करना है। ज़्यादा पानी पियोगे तो डाइजेशन भी अच्छा होता है, उससे आपको फुल फील होगा थ्रू आउट द डे, ऐसा लगेगा आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगा। हम बीच बीच में जो यू नो कुछ स्नैक्स खाते रहते हैं, क्रेविंग्स होता है हमें कुछ खाने का, तो वैसा भी फील नहीं होगा। आप प्रॉपर मील्स लोगे टाइम टू टाइम, प्लस बीच बीच में आप कंटिन्यूसली वाटर पीते रहोगे, सो येस आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे भूख लग रहा है मैं कुछ खा लूँ, और यू विल फील फुल थ्रू आउट द डे। या सेकेंड थिंग, हॉट वाटर आपको सुबह और रात को पीना ही है, आपको ये मिस आउट नहीं करना है। इससे काफ़ी हेल्प, इट्स वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग योर वेट, सो ये तो आपको करना ही है, यू नो इट्स अ मेन थिंग। और मैंने आपको क्वांटिटी भी बता दिया है कि मेरा ग्लास जितना बड़ा साइज था जितना मैं पीती थी हॉट वाटर, सो ये आपको फॉलो करना है टिप। या अगर आपको हेल्दी वे में आपका वेट रिड्यूस करना है, सो फॉलो ऑल द टिप्स विच आई हैव मेंशनड इन माय वीडियो, तो ही आप यू नो ग्लो के साथ एंड विदाउट लूजिंग योर हेयर ये सारी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर आप अनहेल्दी तरीके से वेट लूज करना ट्राई करोगे तो। वीकनेस आएगा आपको, आपको चक्कर आएगा, आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हो, आप ज़्यादा देर चल नहीं सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज दे डू दे ओनली फॉलो डाइट। ओके, मतलब डाइट में भी कैसे कि
काफी स्किप करते हैं मील्स एंड ऑल, तो उससे नहीं होगा आपका अच्छा वेट। वेट लॉस में भी काफ़ी तरीके होते हैं, तो आपको हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है तो मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दिए हैं। एक्सरसाइज करना है आपको दिन में मिनिमम 30 मिनट्स तो करना है, और अगर वो भी नहीं हो रहा है, नहीं ऐसे तो आपको करना नहीं चाहिए, आपको 30 मिनट्स तो करना चाहिए आपका एक्सरसाइज, और सुबह उठते ही कर लो तो बाकी दिन के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो तो ये होगा कि हाँ मेरा सुबह एक्सरसाइज हो गया है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग टाइम लेटर ऑन तो कोई टेंशन नहीं होगा। सो येस, फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। आई होप यू गाइज एन्जॉयड वॉचिंग माई वीडियो। सो या प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी अपलोडिंग सम मोर न्यू वीडियोज। ओके सो पक्का सब्सक्राइब करना। या थैंक यू, बाय, टेक केयर।